आज इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे, आज इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे क्या हम ग्रो एप्लीकेशन से जब म्यूचुअल फंड में SWP चालू करते हैं तो हमें SWP का ऑप्शन नहीं मिल रहा है या हमें दिखाई नहीं दे रहा है और हम अपने म्यूचुअल फंड से SWP नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, वही आपको इस वीडियो के अंदर बताएंगे। जैसे कि हमारा ये रहा ग्रो एप्लीकेशन और यहाँ पर हम अपने म्यूचुअल फंड पर क्लिक करते हैं और अपने डैशबोर्ड पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि मैंने कुछ इतना इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है अपने म्यूचुअल फंड में, लेकिन हम किसी भी म्यूचुअल फंड से हम ऐसा यानी कि SWP स्टार्ट करना चाहते हैं, सिस्टमेटिक विड्रॉबल प्लान चालू करना चाहते हैं ताकि हर महीने हमारे बैंक में कुछ अमाउंट आता रहे, तो कैसे करना है। मान लीजिए कि हम मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप के अंदर SWP चालू करना चाहते हैं तो हम इस पर क्लिक करेंगे। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो आप देख लीजिएगा कहीं पर भी हमें SWP का ऑप्शन नहीं मिल रहा है। देख लीजिएगा, पहला ऑप्शन है रिडीम का, दूसरा ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट डिटेल्स का और तीसरा ऑप्शन है इन्वेस्ट करने का। अगर हम रिडीम पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी हमें SWP का ऑप्शन दिखाई नहीं देगा। आप ध्यान से देख लीजिएगा, SWP का ऑप्शन नहीं है। अगर आप रिडीम करना चाहते हैं तो एक ही बार में जितना अमाउंट रिडीम करना चाहते हैं वो आप अमाउंट यहाँ पर डाल देंगे और उसके बाद रिडीम पर क्लिक करेंगे, आपका पैसा आपके बैंक में आ जाएगा। देख सकते हैं, तो हमें रिडीम यानी कि हमें SWP का ऑप्शन कहाँ पर मिलेगा, कैसे मिलेगा और कैसे हम चालू करेंगे। ग्रो में किसी भी फंड में आप SWP आसानी से चालू कर सकते हैं, इस पर मैंने पहले से भी वीडियो बना के रखा हुआ है। आप YouTube पर सर्च कर सकते हैं ग्रो म्यूचुअल फंड SWP स्टार्ट और हमारे चैनल का नेम, आपके सामने वो वाला वीडियो आ जाएगा। फिर भी हम आपको बता देते हैं कि ये ऑप्शन कहाँ पर मिलेगा। तो आप जाएंगे अपने ब्राउजर में, क्योंकि ग्रो एप्लीकेशन के अंदर अभी तक इस वक्त इस समय तक ग्रो के अंदर ये आपका फीचर्स अवेलेबल नहीं है और ग्रो के वेबसाइट पर ये फीचर आपको मिल जाएगा। तो बस आप यहाँ पर सर्च बार पर क्लिक करिएगा, यहाँ पर आप टाइप करिएगा ग्रो और उसके बाद डॉट और इन। जैसे आप पे टाइप करेंगे आपके सामने ग्रो वेबसाइट ओपन हो जाएगा। देख सकते हैं ये है grow.in वेबसाइट। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर अपना ईमेल आईडी से लॉगिन करेंगे, उसके बाद आपके ग्रो एप्लीकेशन का जो भी आपका लॉगिन पिन है वो आप लॉगिन पिन आप यहां पर इंटर करिएगा। जैसे आप ग्रो पिन लॉगिन करेंगे कुछ इस तरीके से आपका ग्रो का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, ग्रो एप्लीकेशन का फीचर्स ओपन हो जाएगा। अब यहां पर आपको क्या करना है कि म्यूचुअल फंड में अपना SWP करना है, तो हम आपको यहां पर जूम करके थोड़ा दिखाते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। तो यहां पर एक ऑप्शन मिलेगा म्यूचुअल फंड का और आप फिर म्यूचुअल फंड के ऑप्शन पर क्लिक करिएगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरीके से पेज आएगा। अब यहां पर आपको सबसे ऊपर मिलेगा डैशबोर्ड और आपको फिर डैशबोर्ड पर क्लिक करना होगा। जैसे आप डैशबोर्ड पर क्लिक करेंगे आपके सामने आपका सारा इन्वेस्टमेंट निकल कर आ जाएगा। जैसे कि म्यूचुअल फंड में मैंने कितना रुपए इन्वेस्ट किया है वो आपको यहां पर दिखाई देगा इन्वेस्ट वैल्यू, और कितना हो गया है वो यहां पर दिखाई देगा, कितना रिटर्न मिला है वो यहां पर दिखाई देगा। अब आपको SWP चालू करना है तो बस आपको थोड़ा सा नीचे आना होगा, जिस फंड के अंदर जिस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना SWP चालू करना चाहते हैं उस फंड के सामने आपको इस फंड के सामने थोड़ा सा इस तरीके से क्लिक करना है और यहां पर आप ध्यान से देखेंगे तो एक 3-डॉट बटन मिलेगा। जब आप इस पर क्लिक कर देंगे तो यहां पर आप ध्यान से देख लीजिएगा स्टार्ट SWP आपके सामने निकल कर ऑप्शन आ गया है स्टार्ट SWP और फिर आप स्टार्ट SWP पर आप क्लिक कर देंगे। स्टार्ट SWP पर क्लिक करेंगे, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने ये वाला पेज आएगा। अब आप यहां पर अपना सारा सेटअप कर सकते हैं और इस पर मैंने पहले से भी वीडियो बना के रखा हुआ है कि आप कितने रुपए यानी कि निकालना चाहते हैं SWP के माध्यम से और कितने महीने या कितने साल तक। तो मैं आशा करूंगा अब आप समझ गए होंगे, अगर आपको ग्रो एप्लीकेशन के अंदर आपका SWP का ऑप्शन नहीं आ रहा है म्यूचुअल फंड में तो आपको कहां पर मिलेगा और कैसे मिलेगा और कैसे चालू करना है। अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो यार वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं और हाँ, फ्री में अर्निंग करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर नए नए अपडेट और नए नए एप्लीकेशन बताते रहते हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद।